अगर मायावती जी इस काम को कर दी होती तो आज कल में क्यों मिलता? अगर अखिलेश यादव जी कर दिए होते तो क्यों मिलता? चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चार बार बसपा की थी। ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोर्ड करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 1881 अष्टम विधानसभा जो आठवीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग इस माध्यम मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिया, हमारे साथियों ने, जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई, क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के ये माना जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अब केवल भर और राजभर के हितों के अधिकारों में लड़ेंगे। हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ, जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए। हमारी लड़ाई वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष, जब हम विधानसभा में बात अपनी उठाते हैं तो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिल करके आए, उन्होंने आपको भरपूर आश्वासन भी दिया और कार्रवाई भी, जैसा आप बता रहे हैं कि आगे बढ़ाई है, तो मान के चले कि विधानसभा में आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे? भाई, हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं? नहीं, साथ आपको मिला ना सत्ता पक्ष? देखिए, इस मुद्दे को, SC ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि आप सदन में हमारी मदद करिएगा, ये उन्होंने नहीं कहा। अगर मायावती जी इस काम को कर दी होती तो आज कल में क्यों मिलता? अगर अखिलेश यादव जी कर दिए होते तो क्यों मिलता? चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चार बार बसपा की थी, लेकिन इन लोगों को किसी को दिखाई नहीं दिया। समाज के भी नेता उसमें मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया, लड़ाई समझ में आई तो ओम प्रकाश राजभर को, अगर मैं इस बात को लेकर मिला हूँ तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मिला हूँ। आप देखिए, आदेश जारी किया है, उसमें ये कहा है कि 17 जातियों वाला सर्वे फिर से कराएंगे वो।